भाई एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके देखो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके देखो। आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य पूरे देश में, आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य आपके स्टेट में। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, और जो अमीरों की पार्टी है वो व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। सम्मानित साथियों, अगर कोई गरीबों की पार्टी है, मजबूरों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, पीड़ितों की पार्टी है, उसका नाम है केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी। शामिल होने जा रहे हो, ये हमारा हौसला है सम्मानित साथियों, और हौसलों से उड़ान होती है सम्मानित साथियों। हौसलों से ही उड़ान होने का काम होता है। हमारे बीच में एक छोटे मंच पर हमारे कुछ नेक मंडली हैं, और सभी लोग, मैं सभी से आशा करता हूँ, सभी से उम्मीद करता हूँ सम्मानित साथियों, कि आप लोग, पर कहता हूँ किसी के, ये हुई ना बात साथियों। मैं समझ सकता हूँ कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बट आपके जय भीम से लग नहीं रहा कि आपकी पेट के अंदर की आग अभी खत्म हुई है। तो आप सबको मेरे तहे दिल से जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरिया रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाले और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही है। और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा प्रदेश की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हम सबके बीच मंच पर मौजूद हरियाणा स्टेट के इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और श्री राजवीर सिंह सोरखी जी चौधरी कई वादे किए, इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा एससी और बीसी के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था, फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहां मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? नहीं। थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा दोहरा है, राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए, ऐलान करते हुए बाय गए कि युवाओं को दी जाएगी सिर्फ 50,000 नौकरियां। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था?
साथियों झूठ था कि नहीं? झूठ था। थोड़ा और देश झूठ था कि नहीं? झूठ था। साथियों तीसरा वादा, हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या थोड़ी और तेज बोलिए तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18